हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में खास क्या है, क्या सीखेंगे, आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कराना चाहते हैं तो हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। एक तो हम कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरा टेक्स्ट ज्वाइन यूज कर सकते हैं, तीसरा एंड लगा के भी यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप चाहें तो इज इक्वल टू का निशान लगाइए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाइए और इज इक्वल टू का निशान लगाइए, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, एंड का सिंबल लगाइए और एंड का सिंबल लगा करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर करिए। देखिए ये दोनों एक साथ आ चुके हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों को इस सेल में एक ही साथ कर दिया गया है, तो ये आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, ये तरीका हो सकता है एक, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आपका कि आप टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लगा लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट और दूसरा ज्वाइन, तो यहाँ पे आपको जे ओ आई एन ई लिखना पड़ेगा या नीचे से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये टेक्स्ट ज्वाइन आ जाता है। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें, कॉमा दें और फिर इसको सेलेक्ट करें, फिर आप एंटर करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो भी आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो अगला जो तरीका है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो ज्वाइन फॉर्मूले का है। केवल और केवल ज्वाइन फॉर्मूला आपको यूज करना है कुछ इस तरीके से, और लिखना है ज्वाइन और अब यहां पर क्या करना है, डेलिमिटर लगाना है। तो ये डने के बाद कुछ इस तरीके से कॉमा देना है और पहले टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ इस तरीके से दोनों को एक ही साथ मैंने कर लिया, और अब इसको बंद कीजिए और एंटर प्रेस करिएगा तो देखिएगा कि एक ही साथ ये भी आ जाएगा। तो ये ज्वाइन भी एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप इसको ज्वाइन करा सकते हैं, ये आपको गूगल शीट में मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।